हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में विल टॉक अबाउट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या होता है? दिस इज अ मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट बोलते हैं इसको। और ये जो आपको ऑरेंज कलर से दिख रहा है, दैट इज अ कॉइल्ड स्प्रिंग एंड इट इज अ सिलेंडर। ये टॉप व्यू आपको दिख रहा है एंड दिस इज द कॉइल, सिलेंडर पे लपेटी हुई है और सिलेंडर के टॉप से एक निडल अटैच है और ये जो कॉइल स्प्रिंग है ये सिलेंडर के बॉटम पर है। ओके, तो क्या होता है, जैसे ही इस कॉइल में जो सिलेंडर के ऊपर लपेटी हुई है करंट पास होता है तो मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होता है। मैग्नेटिक मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड में एक टॉर्क जनरेट कराता है जो मैग्नेटिक टॉर्क कहलाती है, जो कि हम एम क्रॉस पी, अगर एन टर्न्स हैं, आई करंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो एम इंटू बी टॉर्क मिल जाती है हमें, मैग्नेटिक टॉर्क। और ये फील्ड रेडियल होने की वजह से हमेशा एंगल जो है मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में 90 रहता है। और स्प्रिंग, जैसे ही आपकी ये सिलेंडर घूमेगा स्प्रिंग भी ट्विस्ट होगी, तो स्प्रिंग का जो टॉर्शनल कांस्टेंट है वो सी है, तो स्प्रिंग में सी थीटा टॉर्क हो जाती है और ऑब्वियसली कहीं जाकर एक इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो उस थीटा या उस आई की वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ से। जैसे कि अगर हमें आई की वैल्यू निकालनी हो, तो हम यहाँ से थीटा बाय आई की वैल्यू निकाल सकते हैं या कुछ ऐसा भी देख सकते हैं, आई इज इक्वल टू सी बाय एन ए बी इंटू थीटा। ओके, तो आई इक्वल टू के थीटा मीन्स जैसे जैसे आप करंट बढ़ाएंगे थीटा भी प्रोपोर्शनली चेंज होगा, बिकॉज ये सब चीज़ें गैल्वेनोमीटर के कॉन्स्टेंट्स हैं, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लूप और टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, करंट सेंसिटिविटी, हाउ वी डिफाइन करंट सेंसिटिविटी इज थीटा बाय आई, कितना एंगल से चेंज होता है एक सेकेंड, जब करंट आई पास होता है उसमें से, तो दिस इज रेडियन पर एम्पीयर। ओके, और इस एक्सप्रेशन से हम थीटा बाय आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, एन ए बी बाय सी। तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ाई जा सकती है एन को बढ़ाने से, ए को बढ़ाने से, बी को बढ़ाने से, और सी को अगर घटा देंगे तो भी करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से हम वोल्टेज सेंसिटिविटी डिफाइन करते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी थीटा बाय वोल्टेज अक्रॉस, एंड वोल्टेज को आप लिख सकते हो एंड दिस, ये तो हो गया थीटा बाय आई इंटू वन बाय आर, थीटा बाय आई इंटू वन बाय आर इज थीटा बाय वी। यहाँ रेजिस्टेंस ऑफ द होल कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ द होल कॉइल में अगर आप ध्यान दें तो एन बाय आर, इसको एक साइड कर लेते हैं, ए बी बाय सी, ये जो हमारी टर्म आई एन बाय आर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन, क्योंकि जैसे जैसे आप एन बढ़ाएंगे आर भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाएगा, आपने टर्न्स डबल किए तो रेजिस्टेंस भी डबल हो गया। इसलिए वोल्टेज सेंसिटिविटी के बारे में बोलते हैं, अगर आप वोल्टेज सेंसिटिविटी बदलना चाह रहे हैं तो आप ए बी को बदलिए और सी को बदलिए, ना कि एन को। ओके, क्योंकि एन को बदलने से आर भी बदल जाएगा और कोई चेंज नहीं है। प्रोज ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल है, तो लीनियर स्केल कैन बी यूज्ड। ओके, लीनियर स्केल कैन बी यूज्ड, और आप बोल सकते हैं एडी करंट्स की वजह से डैम्पिंग हो जाती है, एडी करंट्स कॉज इट टू स्टॉप वेरी फास्ट, बहुत जल्दी रुक जाता है ये, मीन्स बहुत जल्दी इक्विलिब्रियम पर आके रुक जाएगा। कॉन्स क्या हैं इसके, ये आप एन ए बी और सी अगर बदलना चाहते हैं तो मुश्किल है, यू हैव टू ओपन इट, ठीक है, कांट चेंज सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी
वेरी इजीली। ओके, आपको गैल्वेनोमीटर खोलना पड़ेगा, कि टर्न्स चेंज करने पड़ेंगे, या क्रॉस सेक्शन चेंज करना पड़ेगा, या मैग्नेट्स बदलनी पड़ेंगी, या स्प्रिंग बदलनी पड़ेगी, तो आप इजीली सेंसिटिविटी नहीं बदल सकते। ओके, और इजीली डैमेज हो जाता है, जैसे ही आपने हाई, तो कोई सेफ्टी डिवाइस इसके अक्रॉस लगाना पड़ता है। ओके, सो दीज आर द सर्टेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। हाँ, एक पॉइंट और है, कई बार पूछा जाता है वोल्टेज सेंसिटिविटी बदलने से करंट सेंसिटिविटी बदल जाएगी, क्या है सही है? ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर एन आपने बदला तो करंट सेंसिटिविटी तो बदल जाएगी, मगर वोल्टेज सेंसिटिविटी एन बदलने से नहीं बदलती। ओके, ये इम्पॉर्टेंट बात है। बाकी हाँ, अगर आप ये सारी चीज़ें बदल रहे हैं, ए बी और सी, तो दोनों करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी दोनों ही बदल जाएंगे।